नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 17 मई से 8 जून तक गोंडा स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य शुरू होने पर स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेनें हुई निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोला के नारायणपुर खुर्द गांव में शनिवार को शादी में दो जातियों के बीच हुए विवाद में तत्काल उचित कार्रवाई ना करने पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने गोला के इंस्पेक्टर दिलीप शुक्ला को किया सस्पेंड। जैन सिंह को बनाया गोला का नया थानेदार। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ऑपरेशन पाताल के तहत एक अभियुक्त को रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने गोलघर के व्यापारियों व दुकानदारों से की बात। कहा, कोई भी व्यापारी दुकान के आगे ना खड़ा करे वाहन। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में यातायात पुलिस का करे सहयोग। निर्माणाधीन एम्स थाने का SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने किया निरीक्षण। कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था को दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप में भारतीय रेल की शीर्ष की 8 टीमें कर रही हैं प्रतिभाग। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, टीमों के मध्य बहुत कड़ा मुकाबला होने की है उम्मीद। जिले में गर्मी है चरम पर। जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन ने कहा, आवश्यक कार्य से ही शरीर को सूती कपड़े से ढककर निकले घर से बाहर। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का बिल्कुल ना करें सेवन। किसी प्रकार की परेशानी होने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। भारतीय पेंशनर मंच के तत्वाधान में बैठक का किया गया आयोजन। पेंशनधारियों को आयकर मुक्त करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। गोंडा स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेनें 17 मई से 8 जून तक निरस्त रहेंगी, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने बताया कि गोंडा स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा यार्ड है, जिसको देखते हुए गोरखपुर की जोमे लाइन की जो ट्रेन है गोंडा होकर जाती है, साथ ही साथ लूप लाइन जो कि गोरखपुर से है वह भी गोंडा होकर जाती है। इसके अलावा एक लाइन गोंडा से होकर बहराई जाती है, जो कि बहुत ही व्यस्त यार्ड है। उन्होंने कहा कि गोंडा जंक्शन के रिमॉडलिंग का कार्य पहले से ही प्रस्तावित था, वह पूरा किया जा रहा है। इसके बाद गोंडा जंक्शन पर यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी, जो कि 8 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने कहा, गोंडा यार्ड की NI का कार्य किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे का यह एक बड़ा यार्ड है। गोरखपुर से जो भी मेन लाइन की ट्रेनें हैं सब गोंडा होकर जाती हैं, साथ ही साथ जो लूप लाइन है गोरखपुर से वो भी वाया गोंडा ही होकर जाती है। गोंडा से बहराइच के लिए भी एक लाइन जाती है, तो बहुत ही बिजी यार्ड है गोंडा का। और उसको ध्यान में रखते हुए इसके NI की प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी। उसके लिए कई कार्य होते हैं, जैसे RRI बिल्डिंग को बनाना, सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना, ये सारे कार्य जो पहले से किए जाते हैं वो पूर्ण किए जा चुके हैं। इस NI के बाद यात्रा और सुगम होगी, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। गोला इलाके के नारायणपुर खुर्द गांव में शनिवार को DJ पर गाना बजाने के विवाद में हुए जातीय संघर्ष के मामले में गोला के इंस्पेक्टर दिलीप शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया। SSP ने इंस्पेक्टर की लापरवाही सामने आने पर उन्हें सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिया व उनकी जगह पर गोला थाने की जिम्मेदारी जयंत सिंह को सौंपी है। वही बवाल के बाद गांव में सोमवार को दूसरे दिन भी PSC पुलिस तैनात रही। नारायणपुर खुर्द गांव में अवधेश की बेटी की शनिवार को शादी थी। बारात के लोग DJ पर डांस कर रहे थे, इसी दौरान ब्राह्मण पक्ष के लोगों ने गाने को लेकर आपत्ति जताया।
इसी बात पर हुए विवाद में दलित बस्ती के करीब 200 लोगों की भीड़ ने शत्रुघ्न त्रिपाठी के टीन सेट के मकान में धावा बोल दिया, वहां पर तोड़फोड़ करने के साथ ही आग लगा दिया। आग से एक बाइक और एक साइकिल जल गई थी। टीन सेट का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बाहर आई भीड़ ने बगल में खड़ी दिनेश त्रिपाठी की कार को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं रविवार की सुबह को ब्राह्मण पक्ष के लोगों ने एक अनुसूचित जाति के युवक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई। जांच में पाया गया कि शनिवार को विवाद होने के बाद पुलिस ने सतर्कता नहीं बरती थी, जिससे अगली सुबह भी फिर विवाद हो गया, जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने गोला के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा के अनुसार लापरवाही पाने पर इंस्पेक्टर दिलीप शुक्ला को सस्पेंड कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है और जयंत सिंह को उनकी जगह नए थानेदार नियुक्त किया गया है। फिलहाल गांव में फोर्स तैनात की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, नारायणपुर खुर्द गांव है थाना गोला का, जहां 14/15 की रात में दलित समुदाय के एक नागरिक की बेटी की शादी थी। बारात गांव में आ चुकी थी। जब बारात गुजर रही थी तो रास्ते में पहले ब्राह्मण बस्ती पड़ती। ब्राह्मण बस्ती से गुजरते समय डेक पर कुछ आपत्तिजनक गाना बजाया जा रहा था, जिसको लेकर के लोगों ने गाना बंद करने के लिए कहा। आग टास हो गई और बारातियों ने फिर उस बस्ती में लोगों के साथ मारपीट भी की, हाथापाई की, तोड़फोड़ की। बहरहाल सूचना पुलिस के पास पहुंची और पुलिस तत्काल पहुंची और मामले को शांत करा करके शादी और बारात की सारी कार्यवाही पूरी हुई। रात में एक तरह से मामला लगा शांत है, लेकिन प्रातःकाल फिर यह हुआ कि बारातियों को यहां से जाते समय रास्ते में हो सकता है ब्राह्मण समुदाय के लोग रोके मारे पीटे। पुलिस बल फिर मौके पर पहुंच गया था। रात में भी वहां पुलिस थी, दो सिपाही थे और अभी मामला शांत हो गया, बाराती सब जा चुके थे। लेकिन हरिजन बस्ती के रिश्तेदारों की बाइक से वो जब जा रहे थे तो एक बाइक पता चला कि गांव से बाहर 200-250 मीटर आगे कुछ लोगों ने रोक के चाबी ले ली थी। इसकी शिकायत हुई, अभी ये पता चल ही रहा था कि किसने चाबी ली किसने चाबी ली, तब तक पता चला किसी ने उसमें आग लगा दी। तो इस तरह से कुछ सिरफिरे तत्वों ने, चाहे वो गांव के हों, चाहे बाराती हों, चाहे हरिजन पक्ष के हों या ब्राह्मण पक्ष के हों, इन लोगों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना हो रही है और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे उसमें सक्रिय रोल अदा करने के चाहे भड़काने के, उन सबके खिलाफ कानून की परिधि में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रामगढ़ताल पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को मंझरिया तिराहा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दानिश सिद्दीकी पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी गेहुआ सागर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, हरिप्रकाश यादव, कांस्टेबल प्रवीण कुमार यादव, निशांत सिंह शामिल रहे। एसपी
ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह के द्वारा सिविल लाइन स्थित काली मंदिर के पास वाहन वर्कशॉप के सामने वाहन खड़ा करने हेतु व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरीक्षण किया गया, जिसमें दुकानदारों, व्यापारियों और कारीगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एसपी ट्रैफिक के द्वारा निर्णय लिया गया कि दुकान के आगे टीन शेड छज्जा जो कि नाले के पीछे है उसको ना हटाया जाए, क्योंकि धूप व बारिश में छांव का काम करता है। नगर निगम द्वारा उक्त स्थान पर डस्टबिन रखा जाएगा। नाले के बाद नगर निगम एवं जिला प्रशासन की सहमति से एक लाइन खींची जाएगी जिसमें गाड़ी खड़ी करके मरम्मत की जा सके। एसपी ट्रैफिक ने काली मंदिर के पास स्थित पार्किंग हेतु समस्त दुकानदारों को मिलकर एक गार्ड रखने का सुझाव दिया गया, जिससे कि गाड़ियों को कतारवत किया जा सके, जिस पर सभी व्यापारियों ने एसपी ट्रैफिक की प्रशंसा की, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए गोलघर के व्यापारियों से बात की गई है, जिस पर सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति जताई है कि वह अपने दुकान के सामने वाहन नहीं खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वह जुर्माना वसूला जाएगा। इस अवसर पर सिविल लाइन के पार्षद अजय राय सहित व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, भैया पीछे क्या आज काली मंदिर स्थित जो हमारे ये व्यवसायी हैं, मोटर मैकेनिक हैं, तो इन लोगों से मैंने उन्हीं के प्रतिष्ठान पे जाके वार्ता की और उनसे अतिक्रमण में सहयोग हेतु जो है वार्ता की, तो सभी लोग स्वेच्छा से एक वहां पे गार्ड रखने के लिए तैयार हैं जो ट्रैफिक रेगुलेशन करेगा, और ये लोग अपनी गाड़ियों के लिए जो है समेट लेंगे और उसको पीछे के लिए, और गोरखपुर के नागरिकों की ये पहल, व्यवसायियों की ये पहल बहुत अच्छी नजर आ रही है, और मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि इसी प्रकार से ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए अपने यहाँ सुरक्षा कर्मी या कोई और कर्मी एक निर्धारित ड्रेस में डिप्यूट करें, जो आने जाने वाले गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए, उनके लिए निर्देशित करें, ताकि शहर की पार्क यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और आम नागरिकों के लिए कोई असुविधा ना हो और हम गोरखपुर शहर के लिए सुरक्षित बना सके। थैंक यू वेरी मच सर। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अपील को नहीं मानते हैं तो क्या आप इसमें कोई कोर्सिव एक्शन मिलेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारा शहर बदल रहा है उसी हिसाब से लोगों को अपने सिविक सेंस के लिए सभी को और उच्च स्तर पे लाना होगा, तो इसलिए नागरिकों से अपील की जा रही है, और जो लोग अपील के लिए स्वीकार नहीं करेंगे और सामान्य यातायात व्यवस्था में अवरोध पैदा करेंगे उनके खिलाफ सुसंगत आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट और नगर नियम के नियमों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने सोमवार को कूड़ा घाट स्थित निर्माणाधीन एम्स थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बारीकी से भवन निर्माण कार्य में लग रही सामग्रियों की गुणवत्ता को देखा। उन्होंने मानक के अनुरूप सामग्री का प्रयोग करने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया। इसके साथ ही एसएसपी ने कार्यों में गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया एवं कार्यों की देखरेख करने के लिए भी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया। इस अवसर पर सीओ कैंट श्याम देव बिन सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। Thank you.
लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 17 मई से 8 जून तक गोंडा स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य शुरू होने पर स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेनें हुई निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोला के नारायणपुर खुर्द गांव में शनिवार को शादी में दो जातियों के बीच हुए विवाद में तत्काल उचित कार्रवाई न करने पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने गोला के इंस्पेक्टर दिलीप शुक्ला को किया सस्पेंड। जैन सिंह को बनाया गोला का नया थानेदार। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ऑपरेशन पाताल के तहत एक अभियुक्त को रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने गोलघर के व्यापारियों व दुकानदारों से की बात। कहा, कोई भी व्यापारी दुकान के आगे ना खड़ा करे वाहन। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में यातायात पुलिस का करे सहयोग। निर्माणाधीन एम्स थाने का SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने किया निरीक्षण। कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था को दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप में भारतीय रेल की शीर्ष की 8 टीमें कर रही हैं प्रतिभाग। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, टीमों के मध्य बहुत कड़ा मुकाबला होने की है उम्मीद। जिले में गर्मी है चरम पर। जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन ने कहा, आवश्यक कार्य से ही शरीर को सूती कपड़े से ढककर निकले घर से बाहर। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का बिल्कुल ना करें सेवन। किसी प्रकार की परेशानी होने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। भारतीय पेंशनर मंच के तत्वाधान में बैठक का किया गया आयोजन। पेंशनधारियों को आयकर मुक्त करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में पहली बार अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित किया गया। 16 से 21 मई तक रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर एवं सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में खेली जा रही चैंपियनशिप का शुभारंभ 16 मई को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में प्रातः मुख्य अतिथि अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ योगेश मोहन ने किया। इसके पूर्व मुख्य अतिथि ने उद्घाटन मैच खेलने वाली मध्य रेलवे एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे की टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ श्री योगेश मोहन ने कहा कि क्रिकेट हमारे देश में एक जुनून है जिसे आम लोगों द्वारा भी बहुत पसंद किया जाता है। इस टूर्नामेंट में प्रतिभागी टीमों में रणजी ट्रॉफी एवं आईपीएल खेले हुए राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों के साथ ही अनेक उदयमान खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिससे इस टूर्नामेंट में टीमों के मध्य बहुत कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में खेल भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। महासचिव पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि भारतीय रेल की शीर्ष 8 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं जिसमें अनुभवी तेज तर्रार खिलाड़ियों के साथ उदयमान खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के नवीनीकरण के बाद यहां पहली बार इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि प्रतियोगिता में खेल की भावना के साथ भाग लें और अच्छा प्रदर्शन करें। उन्होंने क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उद्घाटन मैच मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने कड़े मुकाबले में मध्य रेलवे को मैच के अंतिम गेंद पर एक रन बनाकर एक विकेट से हराकर एवं सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर खेले गए एक अन्य मैच में पश्चिम रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे को 104 रन के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में मध्य रेलवे एवं मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के बीच 40 ओवरों का क्वार्टर फाइनल मैच में मध्य रेलवे के कप्तान अमित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मध्य रेलवे के प्रवीण ने 85 गेंदों पर 11 चौकों एवं एक छक्के की सहायता से सर्वाधिक 92 रन बनाए जो कि रजत की गेंद पर कैच आउट हुए। नीलकंठ ने 47 गेंदों पर 4 चौकों एवं एक छक्के के सहयोग से शानदार 45 रन बनाए। सचिन कटारिया ने 26 गेंदों पर 10 रन, विनीत ढाका ने 3 चौकों की मदद से 23 रन, मनीष राव एक छक्के की मदद से नाबाद 14 रन, सागर ने एक चौके की मदद से 14 रन तथा औसाद बिना रन बनाए नाबाद रहे। चार खिलाड़ी दहाई की संख्या में नहीं पहुंच सके। गेंदबाजी करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे निशांत राय ने 5 ओवरों में 35 रन देकर एक विकेट, शिवम दीक्षित ने 8 ओवरों में 34 रन देकर दो विकेट, रजत ने 8 ओवरों में 32 रन देकर तीन विकेट, सौरभ ने 3 ओवरों में 21 रन देकर दो विकेट लिया। इस प्रकार मध्य रेलवे ने निर्धारित 40 ओवरों में 9 विकेट खोकर कुल 217 रन बनाए। 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूर्वोत्तर रेलवे की अन्नू ने 31 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 21 रन, सौरभ दुबे ने 19 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 12 रन, उपेंद्र यादव ने 28 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 31 रन, प्रशांत अवस्थी ने 27 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 23 रन, युवराज सिंह ने 9 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन तथा शुभम चौबे ने अपनी शानदार पारी में 1 चौके एवं 3 छक्के की मदद से नाबाद 62 रन एवं निशांत राय ने 44 गेंदों पर 3 चौके एवं 1 छक्के की मदद से शानदार 45 रनों का योगदान दिया। मध्य रेलवे के गेंदबाज सागर ने 7 ओवरों में 47 रन देकर एक विकेट, मनीष राव ने 7 ओवरों में 39 रन देकर एक विकेट, सलील ने 8 ओवरों में 44 रन देकर एक विकेट, औसफ ने 8 ओवरों में 29 रन देकर दो विकेट तथा विनीत ने 5 ओवरों में 19 रन देकर एक विकेट लिया। इस प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे ने रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर के मैदान पर खेले गए एक अन्य मैच पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे के बीच खेला गया जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे ने टॉस जीतकर पश्चिम रेलवे को पहले बल्लेबाजी करने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया।
बल्लेबाजी करते हुए पश्चिम रेलवे के मृणाल देवधर ने 46 गेंदों पर 9 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से सर्वाधिक 75 रन, समरथ ने 34 गेंदों पर 6 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से शानदार 44 रन, ओम जायसवाल ने 16 गेंदों पर 3 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से 30 रन तथा विनायक ने 24 गेंदों पर 1 चौके एवं 1 छक्के की मदद से 25 रनों का योगदान दिया। इसके अतिरिक्त पश्चिमी रेलवे के असद पठान ने 19, सौरभ ने 16, आर टेलर ने 10 रन अपनी टीम के लिए बनाए। गेंदबाजी करते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के चंद्रकांत ने 5.5 ओवरों में 60 रन देकर 2 विकेट तथा सनी भटनागर ने 8 ओवरों में 48 रन देकर 2 विकेट के अतिरिक्त आदर्श सिंह, सुशील कुमार, अयन चौधरी तथा आशुतोष शर्मा ने 1-1 विकेट प्राप्त किया। 232 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी पश्चिम मध्य रेलवे की टीम 26.4 ओवरों में मात्र 152 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें आशुतोष शर्मा ने 47 गेंदों पर 4 चौकों एवं 3 छक्कों की मदद से 36 रन, अंकुश सिंह ने 16 गेंदों पर 4 चौकों एवं 3 छक्कों की मदद से 35 रन तथा अयन चौधरी ने 40 गेंदों पर 2 चौकों एवं 1 छक्के की मदद से 29 रनों का योगदान दिया। अन्य कोई भी खिलाड़ी दहाई की संख्या में नहीं पहुंच सका। पश्चिम रेलवे के गेंदबाज ओम जायसवाल ने 5 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट, हितेश ने 5.5 ओवरों में 19 रन देकर 3 विकेट, मंजुल ने 4 ओवरों में 21 रन देकर 2 विकेट तथा विनायक ने 7 ओवरों में 40 रन देकर 2 विकेट लिया। इस प्रकार पश्चिम रेलवे 104 रनों से विजयी हुई। 17 मई को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथा सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर, मेट्रो रेलवे एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच खेला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, पिछले वर्ष जब इस पवेलियन का उद्घाटन किया गया था तो तभी से यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पे एक बड़े स्तर का टूर्नामेंट होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रयास किया कि यहाँ एटलीस्ट इंटर रेलवे टूर्नामेंट को आयोजित किया जा सके। अभी नॉकआउट टूर्नामेंट ये जो चल रहा है, इसमें पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे कर रहा है और इसमें भारतीय रेलवे की कुल 8 जो बेस्ट टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें अलग अलग स्थानों पे 4 जगहों पे लीग मैचेस हुए, उसमें जो टीमें विजयी हुई वो टीमें यहाँ पर आई हैं और आज इसका उद्घाटन सुबह किया गया और इनॉग्रल मैच अभी चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेंट्रल रेलवे वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। पहले आज सेंट्रल रेलवे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। कुल उन्होंने 217 रन स्कोर किए, 40-40 ओवर के मैच हैं ये टोटल। जैसा कि मैंने बताया 8 टीमें हैं, 4 क्वार्टर फाइनल मैचेस होंगे, इसमें 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 1 थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा। गोरखपुर में 2 ग्राउंड है जहाँ ये मैचेस चल रहे हैं, एक तो रेलवे का क्रिकेट ग्राउंड और दूसरा सेंट एंड्रयूज क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जा रहे हैं, 2 कल खेले जाएंगे, बीच में एक दिन का यानी कि 18 तारीख का रेस्ट दिया हुआ है। 19 तारीख को फिर सेमीफाइनल्स दोनों खेले जाएंगे और 20 तारीख को थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा
और 21 तारीख को इसका फाइनल होगा और शाम को 21 तारीख की इसका समापन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर होगा, रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। पूरी तरह ग्रीन, जिस तरह से ग्रीन फील्ड बनाया गया है, किसी भी अच्छे से अच्छे क्रिकेट ग्राउंड की तरह जो सुविधाएं यहां पे बेस्ट होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। इन मैचेस के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, जो अंपायर्स हैं उन लोगों को आईपीएल और रणजी मैचेस में भी अंपायरिंग करने का अनुभव है, उन लोगों के भी विचार आप लोग यहाँ पर लें, उनसे भी बात करें। जो प्लेयर्स आए हुए हैं अलग अलग स्थानों से, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग उनकी बाइट्स लें, जिससे कि गोरखपुर में जो क्रिकेट का ये टूर्नामेंट चल रहा है, इस ये मैसेज काफ़ी आगे तक जा सके और आने वाले समय में हम लोग और बड़े टूर्नामेंट गोरखपुर में आयोजित करा सकें। प्रदेश के साथ जिले में गर्मी चरम पर है, लोगों को गर्मी के सितम का सामना करना पड़ रहा है और तपती धूप के साथ लू भी चल रही है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डायरिया और कालरा के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसके संबंध में जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन MD मेडिसिन डॉक्टर BK सुमन ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी पैर पसार रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग खान पान में लापरवाही कर रहे हैं, इसमें डायरिया, कालरा, खांसी, जुकाम मरीजों की संख्या पहले से 30% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचाव के लिए लोग हल्का गुनगुना भरपूर मात्रा में पानी पिएं, सादा भोजन करें, बाहर धूप में बिल्कुल ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को सूती कपड़े से ढककर निकलें तथा बाहर की चीज़ों पर खाने से परहेज करें। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो अपने नज़दीकी जिला अस्पताल पर जाकर इलाज कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन MD मेडिसिन डॉक्टर BK सुमन ने कहा, मरीजों की संख्या बढ़ी है। जब से जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसे से संख्या इसलिए बढ़ रही है कि मरीज खाने पीने और उनके रहन सहन में थोड़ा सा वो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसके चलते डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है, नियर अबाउट 20% की संख्या पहले के से ज़्यादा बढ़ गई है। खांसी जुकाम के भी मरीज की संख्या बढ़ी है और जो रूटीन केसेज आते हैं वो तो है ही हैं, वो तो उनकी संख्या जो है बढ़ा, लेकिन ये जो मौसम चेंज हो रहा है उसके चलते संख्या ज़्यादा है और दूर दराज के जो मरीज आ रहे हैं धूप में आ रहे हैं और जहाँ तक यहाँ के पानी पी ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, तो उसे उनकी दस्त और पेट की बीमारी, गला पकड़ ले रहा है, खांसी जुकाम, सांस फूलने की बीमारी, तो इस तरह से लू लग जा रही है, मरीज अब लापरवाही कर रहे हैं, तो इस तरह के मरीजों की संख्या पहले से अमूमन जो है 30% की संख्या मान के चला जाए कि जो एवरेज आता है उससे ज़्यादा बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा किस बीमारी? दोनों, डायरिया वोमिटिंग के पेशेंट बढ़े हैं और खांसी जुकाम बुखार के मरीज ज़्यादा बढ़े हैं। क्या बचाव यही है कि भाई आप जहाँ तहाँ के पानी न पिए, घर का पानी पिए, उबाल के पानी पिए, सादा भोजन करें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें, बाहर धूप में न निकलें, अगर बरूर हो तो निकलते हैं तो अपने शरीर को सूती कपड़े से पूरी तरह से ढक के निकलें, छाता का प्रयोग करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, बाहर की चीज़ें, खुली हुई चीज़ें न लें, तेल मसाला ज़्यादा न लें, ठंडी चीज़ें की परहेज करें, जैसे फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब बिल्कुल न लें,
तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो सरकारी चिकित्सालय में जाकर उसका इलाज कराएं। भारतीय पेंशनर मंच के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट स्थित बार एसोसिएशन के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में भारतीय पेंशनर मंच के संस्थापक बीएस यादव ने बताया कि भारतीय पेंशनर मंच एक राष्ट्रवादी पेंशनधारियों का एक संगठन है, जिसमें आज तक देश के 17 राज्यों में 36 गाँव के सैकड़ों पेंशनधारियों ने सदस्यता ग्रहण की है, जो कि 15 अगस्त 2018 को प्रदेश के सीतापुर शहर से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बैठक पेंशनधारियों की कुछ मांगों पर चर्चा करने के लिए की गई है। पेंशनधारियों को आयकर से मुक्त करना, 65 वर्ष की आयु से पेंशन में 10% बढ़ोतरी, देश के सभी जिलों में CGHS के अंतर्गत वेलनेस सेंटर खोलना, पेंशनधारियों को रोजमर्रा के अपने इलाज करवाने में हो रही कठिनाइयों का समाधान करना है। इसलिए हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय पेंशनर मंच के संस्थापक बीएस यादव ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वंदे मातरम। जब हम राष्ट्रवादियों की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य क्या है? भारतीय चिंतन वाले ऐसे तमाम पेंशनरों को संगठित करने का कार्य भारतीय पेंशन मंच पिछले 4 साल से निरंतर कर रहा है। आज देश में 17 राज्यों और 36 विभागों हमारे पेंशनर साथी भारतीय पेंशन मंच के विधिवत सदस्य बने हुए। यह जो भारतीय पेंशन मंच है किसी एक विभाग का नहीं है। एक बात हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि स्थापना के दिन से ही, यद्यपि स्थापना के समय केवल 10 पेंशनर भारतीय पेंशन मंच की स्थापना की, लेकिन 10 पेंशनर में 6 पेंशनर अन्य अन्य विभाग के और 4 पेंशन डाक विभाग। तो पहले दिन से ही भारतीय पेंशन मंच ने ये संकेत दिया है कि भारतीय पेंशन मंच तमाम पेंशनरों का संगठन है, केवल एक विभाग के पेंशनरों का संगठन नहीं। आभार और आपकी बात समय का ध्यान रखते हुए। वीएस यादव, फाउंडर्स जनरल सेक्रेटरी भारतीय पेंशन मंच। भारतीय पेंशन मंच एक गैर राजनीतिक, गैर सार्वजनिक, स्वतंत्र संगठन है और ये राष्ट्रवादी पेंशनरों का संगठन है। भारत माता हमारा लोगो है और भारत माता के लिए अगर हमें कुछ करना है, यानी राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए अगर कुछ करना है तो मंच हमारे लिए द्वितीय है। राष्ट्र के लिए हम पहले विचार करते हैं, सोच करते हैं और उसका चिंतन करते हैं, फिर हम मंच का चिंतन करते हैं, फिर अपने पेंशनरों का चिंतन करते हैं। और इस दृष्टि से आज देश में 17 राज्यों में और 36 विभागों से पेंशनर, सैकड़ों पेंशनर मंच के विधिवत सदस्य बन चुके हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई पेंशनर मंच का सदस्य ना बनता, हर रोज़ कहीं ना कहीं से पेंशनर मंच के सदस्य बनते। आज भी नासिक से कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहा है, गोरखपुर में अनेक सदस्य आज बनेंगे पेंशनर, नासिक से एक पेंशनर हमारा सदस्य बना है। 4 दिन से लगातार नासिक से पेंशनर सदस्य बन रहे हैं, तो हर रोज़ ये हमारा संपर्क अभियान चलता रहता है। और ये जो संपर्क अभियान 15 अगस्त 2018 उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ही शुरू हुआ और आज गोरखपुर में अपना गोरखपुर जिला और गोरखपुर जिला के इर्द गिर्द के जितने अपने पेंशनर साथी हैं वो सभी आए हैं और गर्मी का मौसम है, अभी साथी आ भी रहे हैं, लगता है कि ये हाल हमारा बढ़ जाएगा, तो सभी साथी इसमें शरीक हो रहे हैं। पेंशनरों के मुद्दों पर हम चर्चा करने, इसमें हमारी 3-4 मुख्य मांगे हैं। जैसे आज जो पेंशनर साथी हैं उनका समय से इलाज नहीं होता, और जो छोटे शहर हैं, दिल्ली में कोई समस्या नहीं है, राष्ट्र की राजधानी है, लेकिन बाकी शहरों में, गोरखपुर है,
यहाँ एक सीजीएचएस सेंटर है, इतना बड़ा शहर है, कम से कम यहाँ 4-5 सिटी सीजीएचएस के सेंटर होने चाहिए। गोरखपुर के अंदर एम्पेनल हॉस्पिटल नहीं है, सीजीएचएस से अंतर्गत एम्पेनल हॉस्पिटल कम से कम 5 होने चाहिए। ये बात हमने लिखित में भारत के स्वास्थ्य मंत्री को दिया है कि हर सिटी के अंदर कम से कम 5 एम्पेनल हॉस्पिटल होने चाहिए। ये प्रस्ताव 19 फरवरी 2022 हमारा राष्ट्रीय द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने पारित किया, वो भारत सरकार को दिया। हमने भारत सरकार को ये भी लिख कर दिया है कि हर ज़िले के अंदर सीजीएचएस सेंटर होने चाहिए। भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमें लिखित में जवाब मिला है कि हर ज़िले के अंदर सीजीएचएस सर्वेलेंस सेंटर हम खोलें। अब उसमें देरी हो रही है, इसलिए हमारा ये कहना है कि जितना जल्दी हो वो खोले जाएं। क्या मांगे हैं? हमारी मांग जैसे हमने बताया कि भारत सरकार पेंशन पर आयकर वसूलना बंद करे, भारत सरकार पेंशनर को 65 वर्ष की आयु से उसकी पेंशन में 10% बढ़ोतरी करे, पेंशन की आयु जब 80 साल हो उसको जो है 100% पेंशन दे, और सीजीएचएस से जो कवर्ड जो पेंशनर नहीं है उनको 1,000 रुपया जो भत्ता दिया जाता है वो आज की महंगाई में बहुत कम है, दवाइयों के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए कम से कम 10,000 रुपया उनको मेडिकल अलाउंस देना चाहिए, ये हमारी मांग है। एक बात आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पेंशनर साथी और हम सबको भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, उस मौलिक अधिकार में जैसे हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, उसी तरह से हमें अपने मतदान का भी अधिकार है। हर नागरिक को भारत के संविधान ने मतदान का अधिकार दिया है, हमारा कार्यकर्ता, हमारा सदस्य, हमारा पदाधिकारी किसी पार्टी को वोट दे, किसी पार्टी का समर्थन करे, किसी पार्टी के लिए काम करे, लेकिन भारतीय पेंशन मंच और भारतीय पेंशन मंच का कोई भी नेता मंच के नाम से किसी पार्टी का ना समर्थन करेगा ना किसी पार्टी का विरोध करेगा। हम अपने मंच को राजनीति से बिल्कुल दूर रखा है और हम अपने मंच को राजनीति से दूर रखेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, इसको लेकर हम चल रहे। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 17 मई से 8 जून तक गोंडा स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य शुरू होने पर स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेनें हुई निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोला के नारायणपुर खुर्द गांव में शनिवार को शादी में दो जातियों के बीच हुए विवाद में तत्काल उचित कार्रवाई न करने पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने गोला के इंस्पेक्टर दिलीप शुक्ला को किया सस्पेंड। जैन सिंह को बनाया गोला का नया थानेदार। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ऑपरेशन पाताल के तहत एक अभियुक्त को रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने गोलघर के व्यापारियों व दुकानदारों से की बात। कहा, कोई भी व्यापारी दुकान के आगे ना खड़ा करे वाहन। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में यातायात पुलिस का करे सहयोग। निर्माणाधीन एम्स थाने का SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने किया निरीक्षण। कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था को दिए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप में भारतीय रेल की शीर्ष की 8 टीमें कर रही हैं प्रतिभाग। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, टीमों के मध्य बहुत कड़ा मुकाबला होने की है उम्मीद।
जिले में गर्मी है चरम पर। जिला अस्पताल में बढ़े मरीजों की संख्या, जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन ने कहा, आवश्यक कार्य से ही शरीर को सूती कपड़े से ढककर निकले घर से बाहर। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का बिल्कुल ना करें सेवन। किसी प्रकार की परेशानी होने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। भारतीय पेंशनर मंच के तत्वाधान में बैठक का किया गया आयोजन। पेंशनधारियों को आयकर मुक्त करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।